हेलो गाइस, मैं हूँ डीजे जेनिस दवे और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। ये मेरा इस चैनल पे फर्स्ट वीडियो है, तो मैं आप सबको बता दूँ कि आने वाले सारे वीडियोस में आपको फ्री डीजेइंग ट्यूटोरियल वीडियोस दिए जाएंगे, जिसमें आपको बेसिक लेवल से लेके प्रोफेशनल लेवल तक की सारी स्किल्स, टेक्निक्स और काफ़ी सारी हेल्पफुल टिप्स दी जाएंगी। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक डीजे क्या होता है और एक अच्छा डीजे बनने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। डीजे का मतलब होता है डिस्क जॉकी। डिस्क का मतलब होता है कोई भी म्यूजिक या रिकॉर्ड, और जॉकी का मतलब होता है जो उसे प्ले करता है। डीजे वो होता है जो सॉन्ग्स प्ले करते टाइम उनमें लाइव इफेक्ट्स डालता है, लाइव मैनिपुलेट करता है और एक सॉन्ग से दूसरे सॉन्ग पर जाते समय काफ़ी सारी टेक्निक्स लगाता है। ओके, तो डीजेइंग का जो प्रेजेंट सीनेरियो है इस दुनिया में, उसमें 5 बेसिक कंपोनेंट्स है। पहला है गियर। गियर का मतलब जो इक्विपमेंट आप यूज़ करते हो। अब इससे मेरा मतलब ये नहीं कि अगर आपके पास वर्ल्ड का बेस्ट डीजेइंग गियर है तो आप वर्ल्ड के बेस्ट डीजे हो, नहीं। डीजेइंग इज़ ऑल अबाउट टेक्निक्स, लेकिन फिर भी गियर का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि अगर आपके पास एक छोटा सा लैपटॉप या छोटा सा कंट्रोलर है तो उसके भी आपको सारे फंक्शंस पता होने चाहिए और उस फंक्शन को आप कितने तरीके से यूज़ कर सकते हो वो भी पता होना चाहिए। अगर आपको इसका अच्छा नॉलेज है तो आप एक बहुत अच्छे डीजे बन सकते हो। सेकेंड वन इज़ म्यूज़िक। म्यूज़िक का आपके पास बहुत ही अच्छा और एक अरेंज कलेक्शन होना चाहिए और वो आपको रेगुलरली अपडेट करना चाहिए। और म्यूज़िक आप काफ़ी सारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, जैसे साउंडक्लाउड हुआ और आईट्यून्स है और भी काफ़ी सारी है। और ऑनलाइन म्यूज़िक सुनते रहना चाहिए, नए अपडेट्स के बारे में आपको रेगुलरली पता होना चाहिए। और एज अ डीजे आपको डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ म्यूज़िक सुननी चाहिए। काफ़ी सारी स्टाइल्स होती है म्यूज़िक के, जैसे टेक्नो, हाउस, डबस्टेप, पॉप और भी काफ़ी सारी है। ये सबका नॉलेज आपको आने वाले वीडियोस में मिलेगा, लेकिन अभी के लिए म्यूज़िक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और आपको इसका अच्छा नॉलेज होना। थर्ड वन इज़ टेक्निक्स। टेक्निक्स काफ़ी सारी है और एक डीजे की लाइफ में टेक्निक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। द बेसिक टेक्निक ऑफ डीजेइंग इज़ बीट मैचिंग। अगर आप अच्छे से बीट मैचिंग कर सकते हो तो आप अपने आप को एक डीजे कह सकते हो। और इसके साथ में काफ़ी सारी टेक्निक्स होती है जिनको मैं आने वाले वीडियोज़ में आपको बताऊँगा, तो टेक्निक्स के लिए इतना ही। फोर्थ वन इज़ प्लेइंग आउट। प्लेइंग आउट मीन्स आपको कितनी सारी गिग्स और पार्टीज ऑफर की जा रही है। अगर आप एक बिगिनर है तो कोई भी गिग या पार्टी करने से पहले अपने घर पे आपको पूरा सेट तैयार करके जाना चाहिए और वहाँ जाके जब आप प्ले करें तो पब्लिक शुड एंजॉय योर शो और आपको फुल एनर्जी के साथ परफॉर्म करना होता है। फिफ्थ एंड लास्ट जो है वो है प्रमोटिंग योर सेल्फ। आपके पास बहुत अच्छा डीजे गियर है, आपको सारी टेक्निक्स आती है, सारी स्किल्स आती है और आपको म्यूजिक का भी बहुत अच्छा नॉलेज है, लेकिन आपको कोई जानता नहीं, तो इट्स ऑफ नो यूज़। तो इसलिए आपको खुद को प्रमोट करना चाहिए सोशल मीडियाज पे, जैसे फेसबुक हुआ, ट्विटर हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, इस पर आप अपने ऑफिशियल पेज बना सकते हैं। एटलीस्ट 2 सोशल वेबसाइट पे आपके अकाउंट पेज होने चाहिए, जो कि सिर्फ ऑफिशियल डीजेइंग के लिए या फिर जो भी आप काम कर रहे हो उसके लिए होंगे, तो इट विल हेल्प वेरी मच। और इससे आपको काफ़ी सारी गिग्स मिलेगी। आप कोई भी इवेंट करते हो तो उसके वीडियोस, फोटोज़ आप उस पर अपलोड करो, ताकि पब्लिक अगर कोई देखे तो उससे भी आपको गिग्स ऑफर होने के चांसेस ज़्यादा है। तो ये थे 5 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ डीजेइंग इन टुडेज वर्ल्ड। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपना डीजेइंग स्टार्ट कहाँ से करना है, आपको क्या क्या चाहिए, और उसके बाद हम परफेक्ट डीजेइंग कोर्स हमारा स्टार्ट करेंगे। सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गिव अ लाइक। थैंक यू।